मानसून 2021 लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपको दोस्तों नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मानसून ने की मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो कैसा रहेगा आने वाले 16 और 17 जून का मौसम, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप देश के सभी मौसमी खबरों से अपडेट। कैसा बना हुआ है फिलहाल मानसूनी सिस्टम, सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी झारखंड और उसके आसपास के इलाकों पर बना हुआ है और इससे जुड़ा चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम की ओर झुकते हुए मध्य क्षोभ मंडल स्तर तक फैला हुआ है। एक निम्न स्तरीय ट्रफ रेखा पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, निम्न दबाव वाले क्षेत्र और गंगी पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। एक ट्रफ रेखा जो है महाराष्ट्र तट से लेकर केरल तट तक फैली हुई है, यानी कि यहाँ तक मानसून सिस्टम बना हुआ है और असम और आसपास के हिस्सों में एक चक्रवात का क्षेत्र देखा जा सकता है। दोस्तों यह सब जो सिस्टम है यह फिलहाल मानसूनी सिस्टम है। और बात करें पिछले 24 घंटों के मौसम की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान केरल तटीय कर्नाटक और कोंकण गोवा में मध्यम से भारी बारिश के साथ एक दो स्थानों पर अति भारी वर्षा दर्ज की गई। तेलंगाना, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ हिस्से पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बाकी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज हुई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश दर्ज की गई है। बात करें आने वाले 24 से 48 घंटों के मौसम की, तो आने वाले 24 से 48 घंटों में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, दक्षिण कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के बाकी हिस्से, तेलंगाना के कुछ हिस्से, विदर्भ के कुछ हिस्से, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिम हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्से, राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्से, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्से, ओडिशा, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। तमिलनाडु, रायलसीमा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश संभव है। तो लेटेस्ट अपडेट था मानसून को लेकर। वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, बढ़ सके देश की सभी मौसमी खबरों से अपडेट।